हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। यार तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ पार्ट फाइव। तो पार्ट फोर आप लोगों ने शायद देखा हो, जिस भाई नहीं देखा है तो काइंडली जाके पार्ट फोर को भी विज़िट कर लें। और पार्ट फाइव के अंदर थोड़ी इम्प्रूवमेंट है तो वो आप लोगों को दिखानी थी। बाकी पार्ट फोर में जो था कि वो छोटी छोटी जगहों से हमारे हाथ पे आ रहा था, तो अभी जो हमारा पार्ट फाइव है ना, इस पार्ट फाइव के अंदर हमने उसकी थोड़ी लेंथ बढ़ा दी है, थोड़ी हमने उसकी दूरी बढ़ा दी। अब हम उसको थोड़ा दूर से बुलाने लग गए। अभी ये पार्ट फाइव में हम इसको आपको दूर से बुला के दिखा रहे हैं। आप उसको देखोगे कि वो कैसे आ रहा है मेरे हाथ पे और किस तरह है। और इस तरह लाने के लिए आपको हमारा पार्ट फोर, पार्ट थ्री, पार्ट टू और पार्ट वन देखना पड़ेगा। तो आप उसको देखेंगे, आपको आइडिया होगा, आपने उस हिसाब से अपने बच्चे को लेके चलना। और इंशाल्लाह जब आप पार्ट फाइव तक पहुँचेंगे तो आपके बच्चे के अंदर ये सारी इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। बाकी रह गई बात पार्ट सिक्स की, तो पार्ट सिक्स के अंदर हम उसको फ्री फ्लाई देंगे। फ्री फ्लाई से मुराद क्या, हम उसको उड़ाएंगे, वो पूरी हवा में घूमेगा और घूम के हमारे पास ही आके उतरेगा हमारी सिटी पर। अब रही बात उसके बाद वाली पार्ट सेवन की, तो पार्ट सेवन जो है आप लोगों के लिए सरप्राइज है क्योंकि उसमें हम इसको उड़ाएंगे बाइक के साथ। तो चलते हैं अपने पार्ट फाइव की तरफ। तो कैमरा मैन आप यहीं रहें और निकाल दिए। मैंने उसका सिर्फ दरवाजा खोला, मैंने कहा शायद खुद आ जाए बाहर, आ रहा तो है। आप लोगों के सामने कोई एडिटिंग नहीं है, कुछ नहीं है। मैंने वहाँ से जाके दरवाज़ा खोला, सीटी मारी और ये वहाँ से उड़ता हुआ सीधा मेरे हाथ पे खुद ही आ गया। सिर्फ किस वजह से? मेरी सीटी से। तो इस चीज़ को दिखाने का ये है कि इसको मैंने ट्रेनिंग दी और ट्रेनिंग इसको मैंने वही वाली दी थी जो मैंने आपको पार्ट फोर में दिखाया था। आई थिंक पार्ट थ्री होगा या पार्ट फोर ही होगा। तो अभी इसका ये पार्ट फाइव में जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, तो ये अभी दरवाज़ा खोलना और सीटी मारना और इसने उड़ के सीधा मेरे हाथ पे ट्रैक आ जाना, तो इससे ये है कि इसको मैंने जो ये गुजरे दिन है पार्ट फोर से लेकर आज जो मैं ये पार्ट फाइव अपलोड करूँगा, तो अब तक इसको मैं डेली बेसिस पे इसी तरह ट्रेन करता हूँ। मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, थोड़ा दूर बैठता हूँ, इसे सीटी मारता हूँ, ये उड़ के आता है। फिर मैं थोड़ा और दूर बैठता हूँ, फिर सीटी मारता हूँ, फिर उड़ के आता है। तो आहिस्ता 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 अब इसको हम एक दो दफ़ा और ट्राई करेंगे अलग अलग जगह पर रखकर। तो अब एक दफ़ा मैंने इसको पिंजरे से बुलाया, ये पिंजरे से अब हम इसको रखेंगे पिंजरे के ऊपर। तो कैमरामैन बिल्कुल मेरे पीछे आ जाओ ताकि इसको मैं पिंजरे पर रखूँ तो ये ट्रैक आ जाए। थोड़ा इसको रख के भागना पड़ता है क्योंकि ये अचानक से आ जाता है। ये देखा आपने, घोड़ा बेचारा से समझ नहीं आई कि मैं जाऊँ कहाँ, रास्ते में उसका पिलर से टक्कर हो गई। हेलो, पता नहीं इस वीडियो में क्लियर आया या नहीं आया। तो आप लोगों ने देखा होगा सीधा आता है मेरे हाथ के ऊपर, ये देख रहे हैं, सीधा हाथ पे आता है, हाथ पे ग्रिप करता है, हाथ पे रुक जाता है। तो अभी मैंने सीटी थोड़ी ज़्यादा मारी क्योंकि थोड़ा सा हल्का सा डरा है क्योंकि ये उड़ा है ना जैसे, तो पिलर से इसकी टक्कर हुई है, ये घूमा है, फिर वापस पिंजरे के पास गया है, फिर ये वहाँ बैठा है, फिर इसे सीटी मारी है, तो ये पहले सीटी सुनता रहा है, फिर ये उड़ा है वहाँ से, वो ड्रग सीधा ये मेरे हाथ पे आता है। अब मैं जब सीटी मारता हूँ, इसे मैं हाथ दिखाता हूँ ना, तो सीधा मेरे हाथ पे आता है। अब इसका हैंड टाइम जो है ना, फ्लाइट टाइम जो है इसका, वो बिल्कुल रेडी है, परफेक्ट हो गया है। ये चीज़ तो इसकी क्लियर हो गई। अब इसको हमें फ्री फ्लाई देना है, लेकिन फ्री फ्लाई अभी हम इसको अभी इस स्टेज पर नहीं दे सकते। उस स्टेज के लिए हमें इसे मज़ीद एक हफ्ता और मेहनत करनी पड़ेगी, इसे थोड़ा और पक्का करना पड़ेगा, इसकी जो चूँ चूँ है ये ख़त्म करनी पड़ेगी। जब ये पूरा, अभी भी इसके अंदर बचकाना है, ये बचकाना है, इसका ख़त्म करना है। जब इसका बचकाना ख़त्म होगा तो ये फ्री फ्लाई के लिए रेडी हो जाएगा।
सिर्फ इसकी चू चू खत्म होने में हफ्ता लगे, 10 दिन लगे, बस इतने दिनों के अंदर इसकी चू चू खत्म हो जाएगी, फिर इंशाल्लाह इसको जो है ना हम फ्री फ्लाई देंगे, और फ्री फ्लाई हम इसी छत पे देंगे। माशाल्लाह से हमारा तीसरा फ्लोर है, बल्कि तीसरे फ्लोर का भी छत है, एक हिसाब से चौथा फ्लोर है। तो जब चौथे फ्लोर की ऊंचाई से हम इसको उड़ाएंगे तो ये अच्छा खासा उड़ के घूम के जब ये हमारे पास आएगा। अभी ये थोड़ा डर लगता है कि यार छोटा सा बच्चा इतनी मेहनत करके इतना बड़ा किया और अचानक से चला जाए तो फिर मसला बन जाता है। बाकी इंशाल्लाह अभी इसको हम लोग रखते हैं थोड़ा अलग जगह पे, अब वहाँ से ट्राई करते हैं, क्योंकि एक दफ़ा मैंने पिंजरे के अंदर से बुलाया, पिंजरे के छत से बुलाया, अब इसको हम लोग दवार पर रख के सीधा सीधा दवार से बुलाते हैं और फिर उसी के साथ हम लोग वीडियो को एंड करेंगे। असल में इसको आने की जल्दी होती है, इसको कहीं भी रखो ना अब इसे पता चल गया कि बुलाएगा और मुझे जाना है, एकदम से आने लग जाता है ये। तो बस इस वजह से सिर्फ थोड़ा सा इसको मैं रख के इससे तेज आता हूँ। अभी देखते हैं, सीटी मारते हैं और इसका रिएक्शन चेक करना। आप पता है इसको वहाँ नीचे क्या चीज़ नज़र आ रही है, उस तरफ ध्यान दे रहा है, मेरी तरफ इसका थोड़ा ध्यान हटा हुआ है, लेकिन इसको जैसे मेरी सीटी का अंदाज़ा होगा एकदम से इसने उड़ना है। क्रॉस मार गया था लेकिन उतरा मेरे पास ही है और मेरे ऊपर ही उतरा है। तो अभी तो इसमें मैंने आपको इम्प्रूवमेंट दिखा दी है, वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो रही है तो एक वीडियो सिर्फ आएगी इस कबूतर के हिसाब से। उसमें ये मैं आपको पिजन्स के हवाले से एक अहम मालूमात दूंगा जो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो यार नाराज़ नहीं होना, इस वीडियो में अगर मैं बताऊँगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और ज़्यादा लंबी वीडियो मैं करना नहीं चाहता, वो सिर्फ 2-3 मिनट की एक वीडियो होगी तो वो मैं अपलोड करूँगा, तो इंशाल्लाह मेरे भाई लोग देख लेंगे। तो इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।